Hi, grade 5th. In previous class, I had completed chapter number 16 with the textual exercises. Today, I'm starting with chapter number 17, transport and communication. ये चैप्टर इजी है. हम सालों से ग्रेड फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तब से हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डिफरेंट डिफरेंट वे में करते आए हैं. हमने उनके डिफरेंट डिफरेंट रूप देखे हैं. सो दिस चैप्टर इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर यू ऑल. जस्ट समझने की बात है. ठीक है. जैसे हर साल हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में कुछ नया सीखते हैं, इन दिस चैप्टर देयर इज समथिंग न्यू. बाकी ये चैप्टर डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है. नाउ warm up. You must have relatives and friends living in another cities and countries. आपको अपने अपने relatives होंगे जो दूसरे city या दूसरे country में रहते होंगे. जैसे for examples, my maternal place, मतलब मेरी मम्मी का घर मुंबई में है, so it is in different city. मेरा ससुराल खेड़ब्रह्मा है, so it is in different city. एंड मेरा भाई जो है वो कनाडा रहता है, मेरे अंकल अमेरिका रहते हैं, मतलब यूएस रहते हैं, सो दे आर इन डिफरेंट सिटीज. मेरी एक सिस्टर है जो फिलीपींस में है, सो दे आर इन डिफरेंट कंट्रीज. यस. सो जहां जो लोग रहते हैं, हम ट्रांसपोर्ट में मोस्टली क्या सीखते हैं कि एक सिटी से दूसरे सिटी कैसे जाना है, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री कैसे जा सकते हैं. ठीक है. सो डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड हाउ डू वी कम्युनिकेट विद देम. ठीक है. सो दिस चैप्टर इज सेम लाइक दैट, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. डू यू विजिट देम ऑफनली? Do you visit them often? मतलब घड़ी घड़ी, क्या आप उनको घड़ी घड़ी विजिट करते हो? How do you talk to them? आप उनसे कैसे बात करते हो? Write your response in the space given below. जैसे मैंने मेरे relatives के बारे में बताया, वैसे आपके भी friends, आपके भी relatives दूसरे cities में रहते होंगे, दूसरे countries में रहते होंगे. So you have to write your response in this. Okay, so this is homework for you. In today's world, the means of communications and travel have advanced to the great extent. आज के जमाने में means of communication और travel दोनों इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि हमारी life बहुत ज्यादा easy हो गई है. With the help of phone, computer and internet, we can communicate easily with anyone in the world. हम phone, computers और internet के help से दुनिया के किसी भी इंसान से किसी भी कोने में इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. वी कैन इंस्टेंटली गेट इन टच विथ एनीवन बाय कॉलिंग देम. हम किसी को भी बुला के उनसे तुरंत टच में आ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर कोई अदर कंट्री में रहता है, जैसे यूएस है, यूके है, या फिर कनाडा है, या फिर कोई भी कंट्री, ठीक है, तो अगर आप उनको उनसे बात करना चाहो तो अब हम वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटीज भी है, राइट. हमारे मोबाइल में हमारे पास एप्लीकेशंस है, जैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, ड्यूओ है, ठीक है. तो इससे क्या हो सकता है, हम डायरेक्टली उनसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं. तो हम उनके तुरंत, अभी हमें याद आए और अभी हमने तुरंत उनसे कॉन्टेक्ट कर लिया, बात कर ली, ठीक है, बाय कॉलिंग देम. ठीक है. सेंडिंग देम ईमेल और एन एसएमएस, आइदर हम एसएमएस भेज सकते हैं या फिर उनको ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है. फर्दर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव बिकम फास्टर एंड मोर एफिशिएंट. जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा फास्ट और इफेक्टिव हुआ है, वैसे ही हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो भी फास्ट है और वो भी ज्यादा एफिशिएंट हो गया है पहले की कंपैरिजन में. आज का मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उतना ज्यादा फास्ट हो चुका है. सो वी डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग एल्स. इन इंडिया हैज अ लार्ज रेल नेटवर्क एंड मेनी लोकल ट्रेन ऑपरेशंस. मतलब कि इंडिया में जो हमारा रेल नेटवर्क है, हमारे जो ट्रेन्स हैं, मोस्टली ऐसे बहुत कम छोटे सिटीज होंगे जहां ट्रेन्स अवेलेबल नहीं है. बाकी मोस्टली सारे सिटीज सारे एटलीस्ट रेलवे से तो कनेक्टेड है ही, ठीक है. तो उससे क्या होता है कि हमारा जो
नेटवर्क है रेल का, मतलब हमें अगर कहीं और ट्रैवल करना है तो हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जहाँ रेलवेज अवेलेबल नहीं है वहाँ हम रोड ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेलवेज के साथ मेट्रो ट्रेन नाउ प्ले इन सम सिटीज इन कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, NCR, बेंगलोर, मुंबई एंड जयपुर। रेलवे के साथ साथ मेट्रो ट्रेन्स जो है वो इन सब सिटीज में भी अवेलेबल है, जैसे कोलकाता है, चेन्नई है, दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर, मुंबई एंड जयपुर। एयर ट्रैवल इज मोस्ट प्रेफर्ड व्हेन द ट्रैवल टू लॉन्गर डिस्टेंस, स्पेशली फॉरेन डेस्टिनेशंस। मतलब कि जब भी हमें लंबे रूट पे जाना होता है या फिर कोई दूसरी कंट्री में जाना होता है तब हम एयर ट्रांसपोर्ट ज्यादा प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, वो रहते हैं अहमदाबाद में है और उन्हें मीटिंग के लिए इधर दिल्ली जाना है या फिर मुंबई जाना है, ठीक है, सो दे प्रेफर ट्रैवलिंग बाय एयर, मतलब दे प्रेफर एयर ट्रांसपोर्ट मोर रादर देन टू गो इन रेल और बाय रोड, ताकि उनका टाइम बच जाए। ठीक है, सो दैट इज द मोस्ट दैट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो इट इज गुड ऑप्शन फॉर ट्रैवलिंग हु वांट्स टू सेव द टाइम। नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नाउअडेज इट हैज बिकम वेरी कन्वीनियंट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आज के जमाने में एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट मतलब आसान हो चुका है। पोस्ट एंड अदर आइटम्स आर इजीली ट्रांसपोर्टेड। पोस्ट मतलब हम जो लेटर्स लिखते हैं वो, और अदर आइटम्स मतलब हम यहाँ से कोई पार्सल भेजना चाहते हैं या हम कोई कुरियर भेजना चाहते हैं, सो वो हम तो कुरियर वाले को देते हैं, लेकिन कुरियर वाले ऐसे ही वो चीजें भेजते हैं। अगर लंबे लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो एयर से भेजते हैं, और अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो वो आइदर रोड ट्रांसपोर्ट या फिर रेल ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अदर आइटम्स का मीनिंग ये है कि अगर हमें कोई पार्सल भेजना है या फिर कोई कुरियर भेजना है तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। वी हैव एन एक्सपेंसिव रोड नेटवर्क, एफिशिएंट लोकल एंड इंटरसिटी रेल लाइंस एज वेल एज न्यूमरस सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स ऑल ओवर अवर कंट्री। मतलब कि हमारे जो एक्सपेंसिव मतलब कि बड़े, दिस इज नॉट एक्सपेंसिव, दिस इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बड़े, ठीक है, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, एक्सपेंसिव मतलब बड़े। ठीक है, हमारा जो रोड नेटवर्क है वो भी काफी एक्सपेंसिव मतलब काफी वाइड है। जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हमारे रेल ट्रैक्स अवेलेबल ना हो, लेकिन अगर ऐसे फिर भी कोई सिटीज हैं जहां छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे सिटीज हैं या फिर विलेजेस हैं जहां रेल ट्रैक्स अवेलेबल नहीं है, वहां हमारे रोड ट्रांसपोर्ट काम करते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ एक्सपेंसिव रोड नेटवर्क। ठीक है, सो आई रीड दिस अगेन। वी हैव एन एक्सपेंसिव रोड नेटवर्क, एफिशिएंट लोकल एंड इंटरसिटी रेलवे लाइंस एज वेल एज द न्यूमरस सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स ऑल ओवर अवर कंट्री। टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स आर कॉमन ऑल ओवर इंडिया। मतलब ऑल ओवर इंडिया में हम रोड ट्रांसपोर्ट जब भी यूज करते हैं हम जनरली टू व्हीलर और फोर व्हीलर ज्यादा प्रेफर करते हैं। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन, टाइम, प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी। मतलब इसका शॉर्ट में मतलब ऐसा होता है कि जनरली अगर हमें लोकली जाना है या फिर ऐसी कोई जगह है तो हम जनरली टू व्हीलर या फोर व्हीलर यूज करते हैं, और बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रिफर्ड मतलब हमें क्या सिलेक्ट करना है वो हमारे डेस्टिनेशन, मतलब हमें कहाँ जाना है, टाइम, हमारे पास कितना टाइम है, प्राइसिंग, हमें प्राइस वाइज एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, और अवेलेबिलिटी, वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल,
मुझे यहां से अमेरिका जाना है, ठीक है. सो मैं रोड से तो नहीं जा सकती, ट्रेन से नहीं जा सकती. आई हैव टू ऑप्शंस टू गो अमेरिका. आइदर आई कैन टेक वाटर ट्रांसपोर्ट, आइदर आई कैन टेक एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है. सो वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट मेरे बहुत सारे दिन ले लेगा, और एयर ट्रांसपोर्ट है वो मेरे दिन, मेरा टाइम बचा लेगा, ठीक है. सो आई हैव टू डिसाइड द डेस्टिनेशन, आई हैव टू डिसाइड द टाइम कि मैं बहुत ज्यादा दिन टाइम अपना स्पेयर कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी. प्राइजिंग सेम वे, वाटर ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा कम चार्ज करेगा, और इन कंपैरिजन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट की कंपैरिजन में वाटर ट्रांसपोर्ट थोड़ा कम चार्ज करेगा, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट का चार्जेस वाटर ट्रांसपोर्ट से ज्यादा होगा, ठीक है. तो ये ऑप्शन भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि मुझे वो प्राइस वाइज एडजस्ट होगा कि नहीं. अगर वहां जाने की टिकट 15,000 या 20,000 है एक बार की, या 30,000 है, तो वो मुझे बाय माय पॉकेट मुझे एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, दैट ऑल्सो आई हैव टू चेक. एंड अवेलेबिलिटी, मतलब कि मैं जिस कंट्री में जाना चाहती हूँ उसके टिकट्स अवेलेबल है कि नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना हुआ था तो ऑलमोस्ट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल फ्लाइट सारे बंद थे, ठीक है. तो वो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है कि नहीं, वो भी तो चेक करना पड़ेगा, राइट. सो दैट इज वाई इट इज टोल्ड दिस दैट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्रेफर्ड अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन, टाइम, प्लेस एंड availability. Now, advantages and disadvantages. Advantages मतलब फायदे, disadvantages मतलब गैर फायदे, फिर नुकसान, नुकसान, ठीक है. किसके, means of transport के और means of communication के. अभी हम means of communication की बात कर रहे हैं, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के और ट्रांसपोर्ट के. द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव अफेक्टेड अस एंड अवर एनवायरमेंट इन मेनी वेज. हमारा जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसने हमें बहुत वे में अफेक्ट किया है. अफेक्ट किया है मतलब उसकी वजह से हमारे लाइफ में कोई कुछ तो चेंजेस हुए हैं. इट हैज बिकम वेरी इजी फॉर अस टू ट्रेवल फार प्लेसेस. कैसे हमारे लाइफ में चेंजेस हुए हैं, अगर हमें डिस्टेंस लॉन्ग फार ऑफ प्लेसेस मतलब दूर जाना है तो हमारे लिए वो डिस्टेंस कवर करना बहुत इजी हो गया है. इन टाइम फॉर मेडिकल इमरजेंसीज पीपल आल्सो फ्लाई ऑफ टू अदर कंट्रीज फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट. मतलब कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां मेडिकल इमरजेंसीज हो तो लोग ट्रैवल करके दूसरे कंट्री में भी इजीली जा सकते हैं. बिजनेस एंड इकोनॉमी हैज आल्सो एक्सपैंडेड विथ इजी ट्रांसपोर्ट. जैसे मैंने कहा कि अगर कोई बिजनेसमैन है जो अहमदाबाद से मुंबई या फिर कहीं और जाना चाहता है तो दे विल प्रेफर एयर ट्रांसपोर्ट जस्ट टू सेव देयर टाइम. अगर वो वहां पे अपना टाइम सेव कर रहे हैं तो वही अपने बिजनेस में ज्यादा अपना टाइम डिवोट कर पाएंगे और अपने बिजनेस को ज्यादा अच्छे से डेवलप कर पाएंगे. However, ये इतने जो भी थे वो सारे इनके एडवांटेजेस थे. अब मोस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रन्स ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड आर एग्जॉस्टेबल एंड कॉजेस ग्रेट हार्म टू द एनवायरमेंट. फॉसिल फ्यूल्स हमने लास्ट ईयर पढ़ा था. फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो फ्यूल्स एक बार यूज हो और उसके बाद खत्म हो जाए, जैसे कि पेट्रोल है, कोल है, देन डीजल है, राइट. तो ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है. तो फॉसिल फ्यूल्स ये जो सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आज जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज हो रहे हैं वो उनका नुकसान क्या है, ठीक है. ये तो सारे बेनिफिट्स हो गए. अब नुकसान, इनके नुकसान क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है. एक, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स पे चलते हैं That are exhaustible. Exhaustible मतलब वो सारे खत्म हो जाएंगे, आज नहीं तो कल वो सारे
फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसको नेचुरली बनने में बहुत 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 साल लगते हैं, राइट? सो द फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल एंड द कॉज ग्रेट हार्म टू द एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक्टिवा है या फिर हमारे बाइक्स है या फिर कार है, ठीक है, ये सारे अच्छे से चल रहे, लेकिन वो जो धुआं छोड़ते हैं, द स्मोक दे रिलीजेस आर वेरी हार्मफुल. दे आर हार्मफुल टू अवर एनवायरमेंट एज वेल एज अवर हेल्थ, राइट? जैसे दिल्ली में बीच में ये पॉल्यूशन इतना बढ़ गया था, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बीच में अल्टरनेट कार पुलिंग का ऑप्शन रखा था. वो उनके लिए कंपलसरी हो गया था, क्योंकि उनके सिटी में पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो लोग इवन प्रॉपरली ब्रीदिंग, उनको इवन नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए भी प्रॉब्लम्स आ रही थी. उतनी ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, राइट? तो एक डिसएडवांटेज है कि फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं जो एग्जॉस्टेबल है, तो हमारे फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे. दूसरे, वो हमारे एनवायरमेंट को हार्म दे रहा है. तीसरा, ट्रैफिक जैम इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम इन मेजर सिटीज. जब भी हम बड़े सिटीज में देखते हैं, हमारे यहाँ तो फिर भी ट्रैफिक कम रहता है, लेकिन बड़े सिटीज में प्रॉब्लम क्या होती है कि ट्रैफिक जैम इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर आपको एक सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर का रास्ता कवर करना होता है, तो यू हैव टू लीव इट वेरी अर्ली. अब 1-2 घंटे जल्दी निकलोगे तब जाके टाइम पे ऑफिस पहुंचोगे, उतना ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है. सो दैट इज द बिग प्रॉब्लम फॉर मेजर सिटीज. बड़े बड़े सिटीज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. Now, moreover, people living near the airports and railway stations have to deal with the immense noise pollution. मतलब कि ट्रैफिक जाम तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन जो लोग एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास रहते हैं, नजदीक रहते हैं, उन्हें नॉइस पॉल्यूशन से भी डील करना पड़ता है. मतलब उनको नॉइस पॉल्यूशन से भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि कंटिन्यूस एयरप्लेन की आवाज और रेलवेज की आवाज, तो इट इज डिस्टर्बिंग देयर नॉर्मल लाइफ, ठीक है. नाउ, तो ये आपके एडवांटेजेस है, ये आपके डिसएडवांटेजेस है. इसमें मैंने एक डिस्टिंग्विश दिया है. डिस्टिंग्विश का मतलब हमेशा ये होता है कि आप इन दोनों को एक साथ लिखे, ठीक है. जैसे जो इनके फायदे हैं वो इनके नुकसान है, और जो इनके नुकसान है वो इनके फायदे हैं, ठीक है. सो आई विल टेल यू दैट लेटर. नाउ, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन हैज बिकम फास्ट एंड इजी टुडे. आज के जमाने में कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट और इजी हो चुका है. मोस्ट पीपल हैव एक्सेस टू द टेलीफोन एंड इंटरनेट. मोस्टली सारे लोगों के पास टेलीफोन और इंटरनेट दोनों चीजें हैं, ठीक है. वी कैन नाउ सेंड ब्रीफ टेक्स्ट मैसेजेस और इवन मेक वीडियो कॉल फ्रॉम अवर मोबाइल फोन्स विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी. वी फील क्लोज इवन टू पीपल हु मे बी लिविंग इन फार प्लेसेस. मतलब कि अब हम बड़े बड़े मैसेजेस भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस सॉरी, अब हम छोटे छोटे ब्रीफ मतलब शॉर्ट या अब हम छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं, या फिर जैसे मैंने वीडियो कॉल का बताया था, हम हमारे फोन से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं. और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक दूसरे के काफी करीब महसूस करते हैं. ईमेल हैज मेजरली रिप्लेस्ड बाय ट्रेडिशनल पोस्ट. तो हमारा जो ट्रेडिशनल पोस्ट था, हम पहले लेटर लिखते थे, फिर उसको पोस्ट करते थे, फिर वो लेटर पहुंचता था, ठीक है. सो अब उस ट्रेडिशनल पोस्ट की जगह किसने ले ली है? ईमेल. हमें ज्यादा इमरजेंसी हो तो हम कोई भी चीज का ईमेल भेज सकते हैं.
वी कैन सेंड एन ईमेल टू एनी बडी इन द वर्ल्ड विद इन फ्यू सेकेंड्स विथ फॉर नो कॉस्ट विथ एन इंटरनेट कनेक्शन. मतलब कि पहले तो जब हम पोस्ट भेजते थे तो वो पोस्ट कार्ड खरीद के लेके आना या फिर लेटर्स लेके आना या फिर अगर हम हमारे घर से चिट्ठी लेके लिख रहे हैं तो उसको कवर में डाल के फिर उसके ऊपर एक रुपया दो रुपया का टिकट लगाना, ठीक है, तो उसके पैसे लगते थे और वो टाइम कंज्यूमिंग भी था. लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि अब ईमेल हम विद इन नो सेकेंड, मतलब अभी मैंने जस्ट मैसेज टाइप किया और भेजा और जैसे ही मैंने एंटर क्लिक किया, सेंड पे क्लिक किया, मेरा मेल उनको मिल गया विद इंटरनेट कनेक्शन एंड विदाउट नो कॉस्ट. अब मोस्टली कोई चार्जेस लगता नहीं है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जैसे मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे, वैसे ही सेम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे. वी कैन नाउ कम्युनिकेट विद पीपल एनीवेयर एनी टाइम. अब हम कभी भी कहीं भी लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. वी हैव नो लॉन्गर हैव टू वेट फॉर द डेज फॉर लेटर्स टू रीच. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि हम पहले लेटर लिखते थे, फिर उसको कवर में डाल के उसपे टिकट लगा के उसको पोस्ट में डाल के आते थे, फिर पोस्ट वाले लेने आते थे, फिर वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होते थे. जो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी पता है, हमने पोस्ट ऑफिस विजिट किया था, राइट, तो उस टाइम पे हमने आपको सारे प्रोसेस दिखाए थे कि यहाँ से लेटर्स कलेक्ट होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल. ग्रीन कलर का बॉक्स होता है जिसमें से इंटरनेशनल लेटर्स का हमें मिलते हैं, फिर वहां से पोस्टमैन अंकल सारे लेटर्स कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करते, उनको सेग्रीगेट करते हैं, फिर वो जो सेग्रीगेट करके उनपे स्टैम्पिंग होती है और वो अलग अलग सिटीज में भेजा जाता है, उसके बाद वहां से वो दूसरे जगह पे पहुंच के फिर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है, और फिर जो जिस सिटी में जा रहे हैं वहां के पोस्टमैन अंकल जो होंगे वो जाके हमारे घर पे डिलीवर करके आएंगे. सो दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो टू रिड्यूस दिस प्रोसेस, अब जो ईमेल और जो भी फैसिलिटीज है वो ये सारी चीजों जो टाइम हमारा कंज्यूम करती थी वो सारी चीजें बंद हो गई. मोर ओवर वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू टेलीविजन एंड रेडियो. मतलब कि अब हम टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर जो भी हमें न्यूज चाहिए वो हम विद इन नो टाइम गेन कर सकते हैं, ठीक है. मतलब हम अगर न्यूज देखेंगे तो यहाँ अमेरिका में क्या हुआ या पाकिस्तान में क्या हुआ वो हमें यहाँ बैठे बैठे पता चल जाएगा, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है. पीपल विथ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज और पीपल हु आर स्पीच इम्पेयर्ड और विजुअली इम्पेयर्ड कैन ऑल्सो मेक एफिशियंट यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डिवाइसेस. मतलब कि जिनको बोलने में या सुनने में दिक्कत है, जिनको बोलने में सुनने में प्रॉब्लम है, वो लोग भी अब की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एफिशिएंट यूज कर सकते हैं. हाउएवर इफ वी आर नॉट केयरफुल वी कैन गेट एडिक्टेड टू द वर्चुअल वर्ल्ड एंड इग्नोर अवर स्टडीज और वर्क. मतलब कि अगर हम प्रॉपर ध्यान ना दे तो हम ये वर्चुअल वर्ल्ड का वो इतने ज्यादा एडिक्ट हो जाएंगे कि हम हमारे स्टडीज पे ध्यान नहीं देंगे और उसी में डूबे रहेंगे एंड विल इग्नोर अवर स्टडीज एज वेल एज अवर रेगुलर वर्क.
टूडे मेनी पीपल हैव बिकम अ विक्टिम ऑफ ओबेसिटी बिकॉज ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी और कंप्यूटर एंड नॉट एक्सरसाइजिंग. मतलब आज के जमाने में बहुत सारे लोग विक्टिम का मतलब शिकार होता है. विक्टिम मतलब शिकार. किसके शिकार? ओबेसिटी मतलब मोटापे के. आजकल के कई लोग मोटापे के शिकार हो चुके हैं. कैसे? जस्ट टू सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी, क्योंकि वो बैठ के सिर्फ टीवी देख रहे हैं या फिर कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं और कोई भी एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं. सम चिल्ड्रन स्पेंड टू मच टाइम प्लेइंग इन वीडियो गेम्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग आउट इन द ओपन. मतलब कि आज के बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए हैं जो मोस्टली अपना सारा टाइम मोबाइल पे गेम खेलने में या फिर कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बाहर खुले में नहीं खेल रहे. उससे उनकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है, आंखों पे असर पड़ रहा है, इवन दिमाग पे असर पड़ रहा है. सो दिस ऑल आर डिसएडवांटेजेस, दे ऑल आर वेरी बैड. दिस ग्रेवली अफेक्ट देयर हेल्थ एंड ग्रोथ. ये मेजरली उनकी हेल्थ और ग्रोथ पे इफेक्ट करता है. विद दिस आई हैव कम्प्लीटेड चैप्टर नंबर 17 एंड वी ऑल्सो हैव कम्प्लीटेड अवर यूनिट टेस्ट 3 कोर्स ऑफ EVS. ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट विथ रैप अप. ट्रैवल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं? रोडवेज, एयरवेज और वाटरवेज. और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? पोस्ट, टेलीफोन्स एंड इंटरनेट. नाउ एडवांटेजेस क्या है? फास्ट है, एफिशिएंट है, वेरी हेल्पफुल इन इमरजेंसीज है, एक्सपैंडेड ऑपरेशंस एंड बिजनेस है. ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है? एयर पोल्यूशन करता है, नॉइज पोल्यूशन करता है, ट्रैफिक जाम्स करता है, राइट. और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस में एडवांटेजेस है, फास्ट है, एडोरेबल है और रिलायबल है. और डिसएडवांटेजेस है, कॉजेस लेजीनेस, ओबेसिटी एंड एडिक्शन, राइट. सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर वन, टेलीविजन एंड रेडियो आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. टेलीविजन और रेडियो इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब हमें मैसेज मिलते हैं, न्यूज मिलते हैं, राइट. नाउ नंबर टू, ईमेल हैज ग्रेटली रिप्लेस्ड पोस्ट. ईमेल का ग्रेट ऑप्शन अब क्या हो चुका है? पोस्ट. नंबर थ्री, पीपल लिविंग नियर एन एयरपोर्ट हैव टू डील विद नॉइज पॉल्यूशन. जो लोग एयरपोर्ट के नजदीक रहते हैं उन्हें किससे डील करना पड़ता है? नॉइज पॉल्यूशन से. नंबर फोर, मोस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रन ऑन रोडवेज. सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मोस्टली रोडवेज पे चलते हैं. रोडवेज मैंने इसलिए लिखा क्योंकि रेल्स है वो भी रोड पे चलते हैं, मेट्रोज भी रोड पे चलते हैं. इवन हमारे जो भी हम लैंड ट्रांसपोर्ट जितने भी हैं, जो रोड जैसे कार, ट्रक, इवन कार्ड्स जो पहले के थे, वो सारे ये सारे रोड पे चलते हैं. सो द आंसर इज रोडवेज. एक्सरसाइज बी, से वेदर दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स, यू हैव टू टेल दिस. नंबर वन, बिजनेस हैज इम्प्रूव्ड विद मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हमारा बिजनेस भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है. यस, दिस सेंटेंस इज ट्रू. नंबर टू, एयर ट्रैवल इज प्रेफर्ड फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस. एयर ट्रैवल हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए प्रेफर करते हैं. नो, दिस सेंटेंस इज फॉल्स बिकॉज इट इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. नंबर थ्री, वी कैन सेंड एन ईमेल और पोस्ट टू एनीबॉडी इन द वर्ल्ड. हम दुनिया में किसी को भी ईमेल या पोस्ट भेज सकते हैं. यस, दिस सेंटेंस इज ट्रू. नंबर फोर, स्पेंडिंग टू मच टाइम इन फ्रंट ऑफ टीवी कैन बैडली अफेक्ट योर हेल्थ. यस, दिस सेंटेंस इज ट्रू. नाउ वेरी शॉर्ट आंसर्स.
वेयर डू मेट्रो ट्रेन प्लेस इन इंडिया. सो द आंसर इज मेट्रो ट्रेन नाउ प्ले इन सम सिटीज लाइक कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, मुंबई एंड जयपुर. Where do we get to know the news? Of the world around us. हमें दुनिया भर की इन खबरें कहां से मिलती है? We can get information and news from different corners of the world through television and radio. This is the answer C2. What causes traffic jams? So the answer is means of road transport causes traffic jam. जो road transport है उसकी वजह से traffic jam होता है. और अब how can we send text messages and make video calls? हम text messages और video call कैसे कर सकते हैं? हम text messages We can send text messages and make video calls through internet. हम internet से text messages और video call कर सकते हैं. Now, exercise E, long answer questions. Number one, what are the disadvantages of modern means of communication? Modern means of communication के disadvantages क्या है? So the answer is, if you are not careful, We can get addicted to the virtual world and ignore our studies and work. Today, many people have become victim of obesity because of sitting in front of TV or computer and not exercising. Some children spend too much of their time playing video games instead of playing outside in the open. This gravely affects their health and growth. Right? This is the answer E1. Now, how are modern means of transport are harmful for the environment? Modern means of transport environment के लिए कैसे harmful है? Most means of transport runs on fossil fuels. They are exhaustible and the causes harm to the environment. वो fossil fuels पे चलता है, वो exhaustible है और वो स्मोक देता है. सो दे आर हार्मफुल. ठीक है. नाउ ये दोनों आंसर्स मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूं, लेकिन ये आंसर आप खुद लिखेंगे. दिस इज होमवर्क. व्हाट कैन बी अल्टरनेटेड टू द पेट्रोल एंड डीजल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल का ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है सीएनजी, जो क्लीनिंग नेचुरल गैस आई थिंक. यस, सो सीएनजी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर पेट्रोल एंड डीजल, क्योंकि सीएनजी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और पेट्रोल और डीजल फॉसिल फ्यूल्स हैं तो वो लाइफ में खत्म हो जाएंगे. लेकिन क्लीनिंग सीएनजी है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, सो वी कैन यूज दैट. How are the modern means of transport useful during floods? Modern means of transport flood के दौरान कैसे काम आता है? So जब flood आते हैं तब हमारे बहुत सारे rescue teams either जो water transport है, मतलब boats जैसा बना के उसमें कई बार उन्होंने help किया है, जैसे अभी बीच में वडोदरा में हुआ था, right? या फिर जहां बहुत ज्यादा हाई कंडीशंस है, जहां बहुत ज्यादा बुरी कंडीशंस है, वहां पे वो लोग हेलीकॉप्टर का यूज करके भी वहां बेसिक नीड्स जो भी है वो पहुंचाते हैं. राइट, सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. विद दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड all the question answers of all the chapters. Now your homework is, मैंने कल क्लास में भी ये बताया था कि आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करो. ठीक है, इन सब में मोस्टली वही
क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं ऑलरेडी सारे इसमें करा चुकी हूं. मैंने नए कोई भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं दिए हैं. दिस ऑल आंसर्स आर प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, आइदर यू कैन चेक द टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक प्रॉपरली पढ़ो, या फिर मेरे वीडियोस वापस से सारे देखो. ठीक है, मैं इसकी आंसर्स की आपको भेज दूंगी, बट ये सारी चीजें ऐसी है जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूं, सो देयर इज नो डाउट इन दिस. डायग्राम्स भी मैंने आपको बता दिया था, फर्स्ट एड बॉक्स आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट टू लास्ट ईयर भी फर्स्ट एड बॉक्स ड्रॉ किया था. अगर नहीं ड्रॉ करना आता है, यू कैन ड्रॉ द गूस टेप्स एंड एवरीथिंग्स लाइक दिस. ठीक है, फर्स्ट एड किट ड्रॉ कर लीजिए, सीजर, बैंडेजेस. ठीक है, नाउ डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश, ये सारे डिस्टिंग्विश मैं जब जब पढ़ा रही थी तब तब मैंने एक्सप्लेन किए थे. मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का डिस्टिंग्विश बताया था. ठीक है, ये भी मैंने बताया था. सो यस, आई ट्राई टू सेंड, I'll send the answer keys for this, but before that you will try to solve this by your own. Hope this is clear to you all. And your today's homework is you will complete exercise A B C, A B in your textbook and C D E in your notebook. And with this, I have completed chapter number 17 as well as whole course of unit test 3. So, hope this is clear to you all. With this, I'll end this class. Goodbye, everyone. Goodbye for the day. Bye.